चांद मुझे इसको मारना बहुत जरूरी है, ये हमारे रास्ते की रुकावट है। चांद राहिल मैंने का घर देखो, हटो सामने से। ये क्या मामला है? तुम तो कहते तुम्हारी फ्रेंड है और तुमसे गलती से गोली चली थी, ये तो तुम पे FIR कटवाने के दर पर है। डॉक्टर साहब आपको सारी डिटेल बाद में बताऊंगा, अभी प्लीज सिर्फ उसका इलाज कीजिए। उसका कुछ ना कुछ तो करना होगा ना, वरना उसे और शायद मिलेगी। एहसानमंद हो चुकी हूँ मैं उसकी, भाई और भाभी के टाइम पर भी हॉस्पिटल का सारा खर्चा सब उसी ने उठाया था। आखिर मुझ में कमी क्या है मामा? क्या चांद मुझसे ज्यादा हसीन है? ऐसा क्यों सोचती हो फरिया? चांद की तुम्हारे आगे क्या औकात? तो फिर राहिल चांद का दीवाना क्यों है? मैं जितनी कोशिश करती हूँ राहिल के पास जाने की, वो उतना मुझसे दूर हो जाता है। मैंने एक फैसला किया। क्या फैसला? यही कि मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा। क्या? हाँ देखो, मैं जॉब करके तुम्हारे, अपने और आयशा के अखराजात पूरे करना चाहता हूँ। तुम्हारी यूनिवर्सिटी की फीस अदा करूंगा, फिर तुम यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लेना। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने ख्वाब पूरे करो। और तुम्हारे ख्वाब, उसका क्या होगा? मैंने कौन सी मंजिल चुनी अपने लिए यार? सच तो ये है कि मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया कि मुझे करना क्या है। मैं तो बस पढ़ रहा हूँ, और वैसे भी ये काम तो मैं प्राइवेट एग्जाम देके भी कर सकता हूँ। LLB करके कोई वकील बन जाऊंगा या कोई प्रोफेसर, कोई मुनासिब सी जॉब कर लूंगा। लेकिन तुम तो डॉक्टर बनना चाहती हो ना? शाबाश, किसी और के खातिर अपनी तालीम दाव पर लगा कर एक्टिंग खूब कर लेते हो। क्या मैं नहीं जानती कि तुम क्या चाहते हो? क्या मुझे नहीं पता कि तुम्हारे क्या ख्वाब हैं? और फिर तुमने ये कैसे सोच लिया सिकंदर, कि मैं अपने ख्वाबों को तकमील देने के लिए तुम्हारे ख्वाबों को बिखरता हुआ देखूंगी? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो सिकंदर? तुमने जो अब तक हमारे लिए किया है वो काफी है। आजकल तो मुश्किल पड़ने पर अपने भी मुंह मोड़ लेते हैं। तुमने कदम कदम पर मेरा साथ दिया, ना तो तुम्हारा मुझसे कोई रिश्ता है और ना ही मुझ पे कोई हक, उसके बावजूद। बस करो चांद, ऐसी बातें करके तो मुझे शर्मिंदा नहीं करो। क्या तुम्हारा और मेरा रिश्ता इतना कमजोर रिश्ता है? मेरे ख्याल से सबसे अजीम रिश्ता है दोस्ती का रिश्ता। और देखो, खून के रिश्ते अल्लाह बनाता है, लेकिन ये रिश्ते ऐसे होते हैं जो इंसान खुद चुनता है। सॉरी सिकंदर, मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना नहीं था। तुम्हारे जैसा दोस्त तो नसीब वालों को मिलता है, पर मैं ये नहीं चाहती कि तुम हमारी वजह से अपनी तालीम दांव पर लगाओ। मेरा क्या है जान, मम्मी अबू हयात नहीं, सौतेले माँ भाई बहन मुझे 2 दिन से ज्यादा बर्दाश्त नहीं करते। चांद, मुझे इस दुनिया में तुम्हारे और आयशा के अलावा कोई अपना नजर नहीं आता। प्लीज कोई ऐसी बात नहीं करो जिससे मुझे लगे कि मैं खैर। अच्छा, आई एम सॉरी। अच्छा चलो, मैं चलता हूँ। खाने पीने की सारी चीजें किचन में रखी हुई, अपना और आयशा का ख्याल रखना। इश्क ने माना दर्द न जाने, इश्क ने माना दर्द न जाने। क्या बात है राही, क्यों बुलाया? क्या मैं चांद के हवाले से बड़ा परेशान हूँ?
मैं चाह रहा था कि तुम जाके। प्लीज राहिल, अब मुझसे ये मत कहना कि तुम्हें मेरी मदद चाहिए। पहले भी तुम्हारी मदद करके मैं अपनी सबसे अच्छी दोस्त को नाराज कर चुकी हूँ, इसीलिए अब मैं ये नहीं चाहती कि दोबारा से कोई ऐसी गलती कर बैठूं कि उसे मना भी ना सकूं। मेरी बात तो सुनो। नहीं राहिल, मैं चांद के हवाले से कुछ सुनना नहीं चाहती और ना ही किसी मकसद में तुम्हारा साथ दे सकती। प्लीज इन सारे मामलों से मुझे दूर रखो। नौरीन, तुम कुछ मेरी बात सुने बगैर अपना बोले चली जा रही हो यार। सुन तो लो, मैं चाहता क्या हूँ? तुम जो भी चाहोगे वो गलत ही होगा। मेरी मानो तो चांद को उसके हाल पर छोड़ दो। कैसे छोड़ दो यार, कैसे छोड़ दो उसको उसके हाल पे? मैं मोहब्बत करता हूँ उससे, परेशान है, उसकी परेशानी दूर करना चाहता हूँ यार, तुम्हारी मदद से। इतनी सी बात है? पहले की तरह मुझसे कहा कुछ और पता नहीं चांद के साथ क्या किया कि वो मुझसे खफा ही हो गई। यार मैंने कुछ नहीं किया उसके साथ, वो एक सारी गलत फहमी थी, तुम जानती हो मुझे। देखो राहिल, बहुत हो गया, तुम मानो या ना मानो लेकिन चांद आज जिस मुश्किल में है ना, उसकी वजह तुम। उसके भाई भाभी इस दुनिया से चले गए, यूनिवर्सिटी छूट गई उसकी, क्या क्या ख्वाब देखे थे उसने, सब टूट गए। अपना बोझ वो उठा नहीं सकती थी और इस उम्र में एक बच्चे की भी जिम्मेदारी आ गई उस पर। उसके सारे ख्वाब मिट्टी में मिल गए राहिल, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। आँख में अंधेरे, मेरे हाथ ही ना आए, ख्वाब थे जो मेरे। पास पास रह कर तन्हाई, पूछती है मिल क्यों ये जुदाई, रोक रोक जिन्हें अपनी सुनाई, क्या करेंगे इन्हें समझना। तौबा है, अभी तक सो रही है। फरीहा, 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 उठो फरीहा। क्या है मामा, सोने दे मुझे। यूनिवर्सिटी नहीं जाना? नहीं, मुझे नहीं पढ़ना, नहीं जाना। क्यों कर रही हो ऐसा, एक हफ्ते से नहीं गई तुम, सारा दिन सोती हो, सारी रात जागती हो, तुम्हारे एग्जाम्स भी होने वाले, क्यों नहीं समझ आ रही तुम्हें मेरी बात? कहा ना नहीं पढ़ना है मुझे। बेवकूफी की बातें मत करो और उठो, हो क्या गया तुम्हें? वो नहीं जाना यूनिवर्सिटी और नहीं पढ़ना है मुझे। क्यों नहीं पढ़ना चाहते तुम? दिल टूट गया मेरा, हम मुझे आगे नहीं पढ़ना है। यूनिवर्सिटी जाओ तो राहिल की शक्ल सामने होती और मैं उसकी बेरुखी बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये मसले का हल नहीं है। देखो, जिंदगी में अगर इंसान को कुछ ना मिले तो हिम्मत नहीं हारते, रास्ते तलाश किए जाते। और अगर सारे रास्ते बंद हो मामा, तो इंसान क्या करे? सारे रास्ते कभी बंद नहीं होते और मायूस नहीं होते इस तरह। मायूसी इंसान को अंधेरे में धकेलती है। हर इंसान अगर चाहे तो हर चीज को अपने हक में कर सकता है। मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं तुम्हारी शादी हर हाल में राहिल से करवाऊंगी, बस जरा सी हिम्मत और जरा सा सब्र। क्या वाकई मामा ऐसा हो सकता है? वो मेरा काम, मैंने इस बारे में बहुत कुछ सोच रखा, बस हर चीज का एक सही वक्त होता है। जैसे जैसे मैं कहती जाऊं वैसे वैसे करती जाना, देखना सब ठीक हो जाएगा। बस तुम अपनी माँ पर भरोसा रखो। आई लव यू मम्मा। चलो अब शाबाश, चेंज करो यूनिवर्सिटी जाओ। ठीक है, और ब्रेकफास्ट में क्या है? तुम्हारा फेवरेट ऑमलेट। मैं अभी इनफैक्ट मैं तो ये भी नहीं चाहता कि चांद को भी पता चले कि उसका रीएडमिशन और फीस मैंने भरा। तुम अपना नाम क्यों छुपाना चाहते हो? सर मैं फजूल में इन चीज़ों से फेमस नहीं होना चाहता, इस चीज़ मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूँ और ये बात मेरे और अल्लाह मियाँ के बीच में रहे। दैट्स एनफ। बहुत सब्र कर लिया मैंने, अब मुझसे सब्र नहीं होता। मैं सारा इंतजाम करके आया हूँ, ये सब भी है, ये ताला भी है मेरे पास। भाई तुम निकलो यहाँ से, बल्कि मैं खुद ही जाके ताला लगा देता हूँ। अंकल मेरी भतीजी अंदर है, मेरा सामान भी। वो तो मैं क्या करूं अगर तुम्हारी भतीजी अंदर है तो? थोड़ा थोड़ा चलना, थोड़ा थोड़ा चलना।
फ्रेंड्स फ्रेंड्स फ्रेंड्स, मेरे पास आपके लिए दो खुशखबरियां। पहली तो ये कि रिजल्ट आ चुका है और हम सब पास हो गए हैं, और सेकंड ये कि हमेशा की तरह चांद ने इस साल भी यूनिवर्सिटी में टॉप किया है। कांग्रेचुलेशन। देखो मेरा पढ़ाना तुम्हें काम आया। बिल्कुल। मैं तो कह रही हूँ बहुत हो गई यूनिवर्सिटी, पढ़ाई शढ़ाई बंद करें इसकी। मैं कल ही ज़ैनब को फोन करूंगी कि सऊद का रिश्ता बस पक्का करे। नहीं भाभी, मैं किसी भी कीमत पर अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ सकती। जान बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं जाकर देखता हूँ उस लड़की को, उसे अपनी हरकत का जवाब देना ही पड़ेगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम। उसी वक्त ज्यादा लोगों की मदद करना, ये तो बेहतरीन इंसान होने की दलील है। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को बहुत पसंद करता है। थैंक यू सर। बट सर, मैं चाहता नहीं कि किसी को, इनफैक्ट मैं तो ये भी नहीं चाहता कि चांद को भी पता चले कि उसका रीएडमिशन और फीस मैंने भरा। तुम अपना नाम क्यों छुपाना चाहते हो? सर, मैं फजूल में इन चीज़ों से फेमस नहीं होना चाहता। इस चीज़ मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूँ, और ये बात मेरे और अल्लाह मियां के बीच में रहे। दैट्स एनफ। वेल डन, वेरी वेल डन। अच्छा तुम एक काम करो, तुम ये फीस फाइनेंस में दे दो, बाकी मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। राहिल, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। राहिल, कैसे हो? मुझे कॉलेज क्यों नहीं आ रही थी? तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? यार मैंने इतने दिल से तुम्हारे लिए बर्थडे की सेलिब्रेशन की, तुमने मुझे बहुत बुरे तरीके से हर्ट किया राहिल, तुम आए भी नहीं। I'm really sorry. उस दिन मैं बड़ा, मैं काफी डिस्टर्ब था, थका हुआ भी था। I realize मुझे ये नहीं करना चाहिए। It's okay. आप ठीक हो? अच्छा चलो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। कैफेटेरिया चले? नहीं नहीं, वहाँ गए तो बहुत देर हो जाएगी। एक्चुअली मैंने किसी को टाइम दिया हुआ है, तुम बोलो मैं सुन रहा हूँ। इस तरह से नहीं यार, कहीं बैठ के बात करेंगे आराम से। वो मैं कहना चाह रही थी कि बोलो, मैं सुन रहा हूँ। कहीं बैठ के बात करते हैं। कुरिया, मुझे एक्चुअली अभी तो कहीं जाना है, कल कैफे में बैठते हैं। I'll wait for you. चलो फिर, कल मिलते हैं। Yes. Sir, may I come in? Come in. Sir, आपने मुझे यूं अचानक बुलाया? हाँ, बैठो। तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। गुड न्यूज? अल्लाह के एक नेक बंदे ने तुम्हारी जितनी भी फीस ड्यू थी वो सब पे कर दी, और उन्होंने ये भी एतमाद दिलाया कि आने वाले दिनों में तुम्हारी जो भी ड्यूज होंगे वो देंगे। अब तुम कल से यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर सकती हो। पर सर, किसने जमा करवाए, कौन है वो शख्स? आई एम रियली सॉरी, मैं तुम्हें उनका नाम नहीं बता सकता। वो खुद नहीं चाहते कि उनका नाम जाहिर हो, उन्हें लगता है कि इस तरह उनकी मशहूरी हो जाएगी, और इस तरह के लोग अपनी मशहूरी नहीं चाहते। सॉरी सर, मैं ऐसा नहीं कर सकता। हमने आज तक किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, आप प्लीज उनको मेरी तरफ से माजरत कर दें। इसमें हाथ फैलाने वाली क्या बात है जान? देखो, तुम खुद थोड़ी ना गई थी मदद मांगने, और अगर वो कुछ ही कर भी रहा है तो अल्लाह की रजा के लिए कर रहा है। और जरा सोचो, अगर कोई तुम्हारी मदद कर रहा है तो इसमें क्या बुराई है? सर, बात बुराई की नहीं, खुददारी की। किसी ऐसे शख्स का सहारा नहीं ले सकती जिसे मैं जानती भी ना हूँ। देखो चा, तुम्हारी खुददारी को ठेस उस वक्त पहुंचती जब वो तुम्हें बताकर
जताकर तुम्हारी मदद कर रहा होता। और ये सब तो अरसे दराज से हो रहा है, फलाई इदारों की शक्ल में, एनजीओ की शक्ल में इस तरह के लोग हेल्प करते रहते हैं जरूरतमंदों की। और तुम खुद सोचो, जिन हालात से तुम गुजर रही हो, इन हालात में तुम्हारे लिए पढ़ाई जारी रखना कितना मुश्किल है। देखो, मेरा मशवरा तुम्हें यही होगा कि अल्लाह ने तुम्हें एक मौका दिया है उस नेक इंसान के जरिए अपनी मंजिल तक पहुंचने का, पढ़ने का, तरक्की करने का। इस मौके को इस तरह जाया मत करना चाहो। अगर आप कह रहे हैं तो बेहतर ही होगा मेरे लिए। कल से यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली थी। गुड, गुड लक विद योर स्टडीज। सी यू टुमारो इन क्लास। थैंक यू। खुदा हाफिज़। दिन में चक्कर लगाया था मगर यहाँ ताला लगा हुआ था। जी वो हम कहीं बाहर काम से गए थे, आप अंदर हैं। हाँ भाई, किराए का बंदोबस्त किया तुमने? कल किराए का बंदोबस्त अभी तो नहीं हुआ, पर मैं बहुत जल्द कर दूंगी। क्या मतलब? देखो लड़की, तुम्हारा भाई जब जिंदा था उसने मुझसे कहा था कि वो अगले महीने में दोनों किराए एक साथ देगा, लेकिन अब तो तीसरा महीना भी चढ़ गया और मेरे किराए की कुल रकम 90,000 रुपए बनती है, और अगर बिजली और गैस मिलाओ तो 7,300 उसके 97,300 रुपए बनते हैं। 97,000? हाँ, और मुझे नहीं लगता कि तुम ये घर मजीद अफोर्ड कर सकोगी, इसलिए मेरा किराया दो और घर को खाली कर दो। अंकल, आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम लोग घर खाली करके कहाँ जाएंगे? ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अंकल, आप प्लीज घर खाली करने की बात ना करें, बस थोड़ा सब्र कर लें। मैं कहीं ना कहीं से बंदोबस्त करके आपको पैसे दे दूंगी। तो कब दोगी? कुछ दिन दे दे मुझे। कुछ दिन नहीं, कल। भाई मैं खुद इन किरायों के आसरों पे चल रहा हूँ और मैंने इसी आसरे पे कर्जा भी लिया हुआ है और वो लोग मुझे तंग कर रहे हैं। मगर अंकल, सारी रकम का बंदोबस्त करना। भाई देखें, ये मैं नहीं जानता, मुझे कल हर हाल में रकम चाहिए, वो भी पूरी। ठीक है अंकल, मैं कोशिश करती हूँ। कोशिश नहीं, पक्का, वरना कल तुम्हें घर खाली करना पड़ेगा। अच्छा अंकल, मैं कुछ करती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं इस वक्त तो जा रहा हूँ, कल दिन में कोई काम है मुझे, मैं रात इसी वक्त आऊंगा। और मुझे कोई बहाना नहीं सुनना, मुझे मेरे किराए की पूरी रकम चाहिए, समझी? Thank you.
अरे भाई आ चुको, कितनी देर लगेगी? उनके लिए रख लें ये, बाकी पैसों का बंदोबस्त बहुत जल्द हो जाएगा। ये कितने पैसे हैं? 20,000 रुपए। 20,000? लड़की तुम्हारा क्या दिमाग खराब है, मुझे बेवकूफ समझा है? भाई मुझे आज ही पूरी रकम चाहिए, समझ गई? अंकल आप ये कैसी बातें करें, खुदा के लिए ऐसा ना करें। बहुत सब्र कर लिया मैंने, अब मुझसे सब्र नहीं होता। मैं सारा इंतजाम करके आया हूँ, ये सब भी है, ये ताला भी है मेरे पास। भाई तुम निकलो यहाँ से, बल्कि मैं खुद ही जाके ताला लगा देता हूँ। अंकल मेरी भतीजी अंदर है और मेरा सामान भी। तो मैं क्या करूं अगर तुम्हारी भतीजी अंदर है तो? और सामान का क्या कह रही हो? भाई सामान बेच के तो मैंने अपना किराया वसूल करना है, और जो बचेगा वो तुम्हें दे दूंगा। अच्छा चलो जाओ, जाके अपनी भतीजी को उठा के लाओ। अरे जा भी चुको। अरे कितना वक्त लगेगा, आ भी चुको। चलो शाबाश, अब निकलो। बस बहुत हो गया, अब ये रोना धोना बाहर जाके करना। चलो जाओ अपनी किसी रिश्तेदार के यहाँ, मेरा घर छोड़ दो भाई। और सुनो, मैं सिर्फ 3 दिन इंतजार करूंगा, अगर तुमने सारा किराया दे दिया तो ठीक, वरना मैं ये सामान बेच के किराया वसूल कर लूंगा। चलो आ जाओ। अंकल प्लीज ऐसा ना करें, हमारे पास और कोई ठिकाना नहीं है रहने को। इस वक्त कहाँ जाएंगे? देखो लड़की, मैंने बहुत सब्र कर लिया, मुझे 3 महीने तक कोई किराया नहीं मिला, अब नहीं होता मुझसे सब्र। बेहतर है कि तुम चलो चलो निकलो यहाँ से। ओ भाई बाहर जाके रोना धोना, चलो जाओ किसी रिश्तेदार के यहाँ, जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ अंकल मेरी बात तो सुनो। बीबी अब जाओ, बस बहुत सुन ली। आ जाते हैं किराए पे मकान लेने। मकान ना हो गया ऐसे ही, फ्री में मकान दे दो इन लोगों को। अरे जब हैसियत नहीं है तो भाई क्यों इतना महंगा किराए का मकान लेते हो? आयशा को मुझे दूर, चलो मेरे साथ। हाथ मत लगाओ इसे। मगर तुम रात में आयशा के साथ कहाँ जाओगी चांद? ये मुझे तो नहीं पता, लेकिन हमारे साथ जो कुछ हुआ है ना, उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो नारीन। कम से कम मेरी पूरी बात तो सुन लो। अच्छा बताओ ना, तुम चांद के बारे में क्या कह रही थी? हाँ वो चांद को मालिक मकान ने घर से निकाल दिए। लगे हैं कांटे, आंख में अंधेरे, मेरे हाथ ही ना आए, ख्वाब थे जो मेरे। पास पास रह कर तन्हाई, पूछती है मिल क्यों ये जुदाई, रोक रोक जिन्हें अपनी सुनाई, क्या करेंगे इन्हें समझ ना आई।
आस की नदी से खाली प्यास ही मिली है, छाँव भी दिखी तो वो भी धूप की जली है। इश्क मन में वो अगन लगाए, तन की ओढ़नी से छुप नहीं पाए, याद में कोई उम्र बिताए, दिन कटे मगर रात न जाए। चांद, चांद, ये तुम्हारे साथ आयशा है ना, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। चांद यार, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, उस वक्त हमारा मकसद कुछ और था, तुम्हें गलत फहमी हो गई है। मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो तुम मुझे परेशान लग रही हो, मुझे बताओगी क्या बात है? तुम्हें इससे क्या? कैसी बात कर रही हो चांद, हम दोनों दोस्त हैं, और क्या तुम इतनी सी बात के लिए मुझसे हमेशा के लिए नाता तोड़ लोगी? दोस्त? तुम मेरी दोस्त नहीं, तुम उस राहिल की दोस्त हो, जिसके साथ मिलकर तुमने मेरे भरोसे को तोड़ा है। तुम लोगों की वजह से मैंने अपने भाई भाभी को खो दिया, किराया ना देने की वजह से मालिक मकान ने हमें घर से निकाल दिया है। अब हमारे पास रहने को कोई ठिकाना नहीं। मैंने अपना फैसला अल्लाह पे छोड़ दिया, और मैं तुम लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी। चांद यार प्लीज जिद मत करो, आयशा को मुझे दो और चलो मेरे साथ। हाथ मत लगाओ इसे। मगर तुम रात में आयशा के साथ कहां जाओगी चांद? ये मुझे तो नहीं पता, लेकिन हमारे साथ जो कुछ हुआ है ना, उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो नौरीन। हमारी दोस्ती का रिश्ता उस वक्त खत्म हो गया था नौरीन, जिस वक्त तुमने राहिल के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया। मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। चांद मेरी बात तो सुनो चांद। शायद मैंने गलत किया, मुझे इस नौरीन के साथ जाना चाहिए था। भाभी शगुफ्ता को अचानक हमारा यूं जाना पता नहीं कैसा लगेगा। क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। नौशीन कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, बस काफी दिनों से तुमसे बात नहीं हुई थी तो सोचा तुमसे बात ही कर लूँ। अच्छा किया जो आपने कॉल कर ली, मैं भी बहुत मिस कर रही थी आपको। अच्छा अब तुम्हारी तबीयत कैसी है, कुछ फर्क पड़ा मेडिसिन लेने से? हाँ दवाई खाती हूँ तो थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है, बाद में फिर वैसी हो जाता है। ये दर्द तो मुझे लगता है कि सारी जिंदगी मेरी जान नहीं छोड़ेगा। एक तो तुम बार बार डॉक्टर्स बदलती हो और मेडिसिन का कोर्स भी पूरा नहीं करती, ऊपर से स्ट्रेस भी लेती हो। मेरी बात मानो तो एक ही डॉक्टर से इलाज करवाओ एंड पूरी मेडिसिन खाओ, कोर्स कंप्लीट करो, उनके मशवरों पे अमल करो, इंशाल्लाह ठीक हो जाओगी। आप बस सच बताओ तो मैं इन दवाओं से और डॉक्टरों से बहुत तंग आ चुकी हूँ। एनीवेज छोड़ें इस बात को, ये बताएं फरिया कैसी है, वो ठीक तो है ना? नहीं नौशीन, फरिया बिल्कुल ठीक नहीं है, बहुत डिस्टर्ब है। क्यों, क्या हुआ है उसे? आपा हुआ तो कुछ नहीं है, तुम तो जानती हो। हम दोनों ने उसके जहन में राहिल को बिठा दिया, वो उसकी मोहब्बत में इतना आगे निकल चुकी है और राहिल उसे इग्नोर करता है। मुझे डर है कि मेरी बच्ची कुछ कर ही ना बैठे। अल्लाह ना करे आपा, ऐसा मत बोले। मैंने नुमान से बात की है, उन्हें कोई एतराज भी नहीं है, वो तो बस वेट कर रहे हैं कि राहिल की एजुकेशन कम्प्लीट हो तो वो इश्फाक भाई से बात करें।
तश्वीश की बात यह है नौशीन कि राहिल चांद में इंटरेस्टेड है और फरिया को वो इसीलिए इग्नोर करता है। चांद? चांद कौन? अरे वही मेरे देवर मरहूम जुनेद की छोटी बहन है जिसको राहिल ने नेकलेस भी गिफ्ट किया था। और अब तो खैर चांद जो है वो यूनिवर्सिटी छोड़ चुकी है। आपा बात तो बहुत बड़ी है। देखिए आपा, मैं नहीं चाहती कि इस घर में फरिया के अलावा कोई और बहू बनकर आए। राहिल की शादी अगर किसी और से हुई ना तो ये हमारे फायदे में नहीं होगा। नशीन, मुझे तो फरिया का हाल देखा नहीं जाता। ना तो वो ठीक तरीके से कुछ खाती पीती है और ना ही किसी चीज में दिलचस्पी लेती है। बहुत फिक्रमंद हूँ मैं। तो इसका मतलब है कि राहिल और वो लड़की, अब क्या नाम बताया आपने उसका? चांद, यही नाम है ना उसका? एक्चुअली ये बात अभी कंफर्म नहीं है कि चांद भी राहिल को पसंद करती है कि नहीं, क्योंकि पहले वो उसको नापसंद करती थी। क्या हुआ नौशीन, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? हाँ पापा, एक काम करें आप फरिया को ना मेरे घर पे यहाँ भेज दीजिए। फरिया को तुम्हारे यहाँ भेज दो? क्यों? मैं चाहती हूँ कि फरिया कॉलेज राहिल के साथ इस घर से जाया करें। हो सकता है ये दोनों साथ रहेंगे तो दोनों में अंडरस्टैंडिंग हो जाए। आपा अब ये करना बहुत जरूरी हो गया है, वरना फरिया के लिए राहिल जैसा दौलतमंद अकलौता जायदाद का वारिस लड़का हमारे हाथ से निकल जाएगा। और ऑनेस्टली आपा, मुझे तो अपने मान से भी कोई तवक्को नहीं है। उन्होंने तो बस मुझे अपनी जरूरतों के लिए रखा है। अच्छा ठीक है, मैं सोचती हूँ इस बारे में। ओके, तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है आपा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तुम इस वक्त? भाभी को मालिक मकान ने हमें घर से निकाल दिया। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैं यहाँ चली आई। ठीक है आओ। बैठो। क्या मुसीबत है? क्या बात है मामा? चांद आई है आयशा समेत, मालक मकान ने उनको घर से निकाल दिया। क्या चांद और आयशा यहाँ आ गए? ये क्या कह रही हैं आप? कब आए हैं वो लोग? अभी थोड़ी देर पहले। मुझे तो इस बात की टेंशन हो रही है कि 2-4 दिन के अंदर इनको कैसे निकालूंगी, कैसे जान छुड़ाऊंगी इनसे। मुसीबत, मैं उनको एक मिनट नहीं बर्दाश्त कर सकती और वो यहाँ पे 1-2 दिन रहेंगी। पागल हो गई हो? ऐसे डायरेक्ट कैसे कह सकती हूँ, 1-2 दिन की तो खैर है। आप उठे प्लीज, जाकर उनसे कहें कि जाएं यहाँ से। मुझे तो इस बात का डर है कि कहीं हमेशा के लिए बर्दाश्त ना करना पड़ जाए। मामा मुझे तो उनके नाम से नफरत है, तो फिर मैं उनको 1-2 दिन कैसे बर्दाश्त करूंगी। मैं अभी जाकर खुद हाथ पकड़ के निकालती हूँ। फरिया पागल मत बनो, अगर अशफाक को पता चला ना तो गजब ढाएंगे वो। डैड की फिक्र नहीं करें आप, उनसे तो मैं बात करती हूँ। ये तरीका ठीक नहीं है, 1-2 दिन तो इन मुसीबतों को भुगतना पड़ेगा। हमें कोई ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। क्या मुसीबत है? अच्छा तुम टेंशन मत लो, मैं जाती हूँ उनके पास और देखती हूँ क्या है।
मुंह उठा के आ जाते हैं। लो पानी पियो। भाभी वो अश्वाग भाई अभी तक घर नहीं आए, कहीं बाहर गए। अब तुम्हें क्या बताऊं, हम लोग कितने परेशान हैं आजकल। क्या हुआ भाभी? तुम्हें तो पता है अश्वाग की आमदनी कितनी कम है। कुछ ठीक नहीं है चांद, बिजनेस भी बहुत डाउन हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा और हालात इतने खराब है हमारे कि तुम्हें क्या बताऊं। मुझे तो ये लग रहा है कि हमें ये घर भी शिफ्ट करना पड़ेगा। अब तुम आ जाओगी तो फिर कैसे होगा ये सब कुछ? मेरी बात का बुरा मत मनाना, अब मैं अपने दुख तुमसे नहीं शेयर करूंगी तो किससे करूंगी? भाभी अगर आपको मेरी वजह से कोई परेशानी हो रही हो तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। चांद ये तो तुम्हें खुद ही सोचना चाहिए ना। देखो मैं तो चाहती हूँ कि तुम हमारे साथ रहो, पर मसला ये है कि अब तुम्हारे साथ एक बच्ची है और इसके बारे में मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ। अब बाकी तुम खुद समझदार हो, मैं घर आए मेहमान को जबरदस्ती जाने के लिए तो नहीं कह सकती ना। भाभी बस मैं यहाँ सुबह तक, तुम्हारे भाई आ जाएंगे तो वो तो तुम्हें जाने नहीं देंगे। तुम खुद ही समझो ना चांद मेरी मजबूरी को। और मैं तुम्हें जाने के लिए नहीं कह रही। चलो मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ, अब तो अपना पेट काट कर दूसरों का भरना पड़ेगा। मेरी दोस्त नहीं तुम उस राहिल की दोस्त हो जिसके साथ मिलकर तुमने मेरे भरोसे को तोड़ा है। तुम लोगों की वजह से मैंने अपने भाई भाभी को खो दिया। किराया ना देने की वजह से मालिक मकान ने हमें घर से निकाल दिया है। अब हमारे पास रहने को कोई ठिकाना नहीं। राहिल मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया है कि तुम्हें बता सकूं कि चांद। क्या कहा चांद ने? क्या हो गया तुम्हें? कम से कम मेरी पूरी बात तो सुन लो। अच्छा बताओ ना तुम चांद के बारे में क्या कह रही थी। हाँ वो चांद को मालिक मकान ने घर से निकाल दिया। चांद और आयशा अपने कमरे में नहीं है, मैंने पूरा घर छान मारा लेकिन मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। अच्छा है ना वो दोनों खुद ही चली गई, वरना मैं तो उसे जरूर निकाल देती। हो सकता है कि वो सिकंदर के पास चली गई हो। अगर उन दोनों को कुछ हो गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर चांद को कुछ हुआ ना तो मैं तुझे जान से मार दूंगा।